आज हम अलीपुर तीर्थ पधारे हैं। अलीपुर नाम ही मुस्लिम है तो नाम है, यहाँ पे सारी मुस्लिम आबादी है और यहाँ की जो प्रतिमा है वो पाकिस्तान से जोड़ीपुर से आई है, इसलिए ये प्रतिमा का नाम जोड़ी जी पार्श्वनाथ है। और ये पाकिस्तान से जोड़ीपुर से तीन प्रतिमा आई है, एक यहाँ अलीपुर तीर्थ जो नवसारी जिले में बिल्लीमोरा से 14 किलोमीटर पे ये तीर्थ आता है, और दूसरी प्रतिमा यही जोड़ीपुर से आई हुई जो मुंबई में पायधुनी स्थित जोड़ी जी पार्श्वनाथ है वो जोड़ीपुर की प्रतिमा है, और तीसरी प्रतिमा वाव थराद करके गुजरात का ही इलाका है वहाँ पे, ऐसे तीन प्रतिमा ये जोड़ी जी पार्श्वनाथ की पाकिस्तान से आई थी। के बाद भगवान को सब लोग बोलते हैं कि यहाँ मुस्लिम का गांव है, सब जगह सब पूरे घर मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, हिंदुओं का घर बहुत कम है, जैन का तो एक भी घर भी नहीं है, लेकिन यहाँ सब लोग ने बोला कि हमारा साहिब के सब गुरु जी आए थे, बोला कि भगवान को यहाँ से नवसारी आजू बाजू में ले जाए जहाँ जैनों की बस्ती है, लेकिन यहाँ प्रतिमा जी हिली तक भी नहीं, यहाँ पे ही उनको विराजमान होना है और यहीं पे ही है, और यहाँ पे इतना सब है, सब बॉम्बे से सब लोग, बॉम्बे सूरत नवसारी बिल्लीमोरा वलसाड सब लोग हर वर्ष दशम को यहाँ पे प्रभु जी की आराधना करने आते हैं। हम लोग करीबन 10-15 साल से यहाँ आते हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ का जो चमत्कार देखा वो मैंने खुद अनुभव किया है कि यहाँ का चमत्कार बहुत है, इसीलिए हम लोग दर वर्ष दशम को यहाँ पे आते हैं। कथा है पारस जी की तुम्हें जो आज सुनाओ, हुए वैरागी कैसे बात सारी समझाओ, राजमहल वो कैसे वन गमन पधारे, राजमहल वो कैसे वन गमन पधारे, कैसे गया कमठने उन पर, कैसे गया कमठने उन पर उपसर्ग आघात, वैरागी हो गए पारसनाथ, वैरागी हो गए पारसनाथ। पहले जीर्णोद्धार की बात थी और उससे पहले ये भगवान का स्थान बदलने की बात थी, और आचार्य मार्सब ने और संत ने निर्णय कर लिया था कि ये प्रतिमा तो हम कोई उचित स्थान पे ले जाए जहाँ पे धार्मिक आराधक वर्ग हो, पर यहाँ पे जो मुसलमान भाई हैं उन्होंने भी बोला कि नहीं, यही प्रतिमा जिस यही पे रहेगी और ये प्रतिमा जी से ही हमारी भी तरक्की हुई है, ऐसा वो लोग भी मानते हैं, उस उद्देश्य से ये प्रतिमा तो और ये तीर्थ तो इधर ही रखा गया, और इस तरीके से जीर्णोद्धार करने वाले आचार्य भगवान श्री प्रबोध चंद्र सुरेश्वर जी महाराज जी ने यहाँ पे जीर्णोद्धार करवाया। हो गए पारसनाथ विरागी हो